हेलो एवरीवन, अगर आप आईएलएस के कैंडिडेट हो, अगर आप अपना आईएलएस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। अगस्त मंथ में जो कुछ भी फ्रॉम अवर पीडीएफ, जो कुछ हमारे मटेरियल से देखने को मिला, एक एक चीज़ का सिंगल स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। और जिनका एग्ज़ाम 3 सितंबर को होने वाला है, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग और स्पीकिंग, जिनकी पहले हो चुकी है जहाँ पहले हो रही है, तो आप देख सकते हो प्रेडिक्शन हिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर बैठे आप अपना आईएलएस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो बिना किसी को पैसे दिए। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, ज्वाइन करना है आईएलएस वाला इंडिया चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, एज वेल एज हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। इन तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करें, वहाँ पर जाएँ एंड जरूर देखें, इंजॉय करें इस वीडियो को। सितंबर टू दिसंबर न्यू क्यू कार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट अ डिस्क्राइब ए जोक दैट मेड यू लाफ, मीन्स कि हम एक ऐसे जोक की बात करेंगे जो हमें काफ़ी हंसाएगा। सितंबर टू दिसंबर न्यू क्यू कार्ड्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है तो उनके लिए ये स्पेशल आइडियाज़ हम लेकर आए हैं कि आप फनी वे के साथ कैसे बोल सकते हो और ईजिली आप 7.5 बैंड स्कोर हायर कर सकते हो स्पीकिंग में। बट उसके लिए एवरी डे अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन क्यू कार्ड चाहिए, वो भी सितंबर टू दिसंबर, जो अभी न्यू पीडीएफ आनी है, वैसे पीडीएफ आ चुकी है हमारे पास, अवेलेबल है, प्रूफ आपने इससे पहले देख लिए हैं। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा स्कोर करना लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, देन मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आफ्टर वॉच दिस वीडियो लाइक भी कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की जो क्यू कार्ड है, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है सितंबर टू दिसंबर स्टूडेंट्स का, जिनका एग्जाम इन द फ्यूचर होने वाला है। और डिस्क्राइब ए जोक दैट मेड यू लॉ, यू शुड से, हमें कौन से बुलेट पॉइंट मिले, यहाँ पर आप देख सकते हो। हु टोल्ड यू जोक, आपको किसने जोक बोला, वेन एंड वेयर, कहाँ, कब और कहाँ बोला, व्हाट द जोक वाज, किस कैट किस टाइप का वो जोक था, एंड व्हाई डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, भी आपको ऐसा क्यों लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग जोक है। तो चलो इसकी सबसे पहले हमारे पास है जो इंट्रोडक्शन है, हमें इंट्रोडक्शन को बनाना है। वेल लेदर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, कि जो हंसी है ये एक बेस्ट मेडिसिन है, एंड पीपल ऑफन लव लिसनिंग टू जोक्स टू हैव सम गुड फन, कि लोगों को अक्सर जोक सुनना पसंद होता है कुछ फन करने के लिए, मीन्स कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए समझ सकते हो, या फिर एनीथिंग एल्स दैट। तो वेन Who told you joke? कि आपको जोक किसने बोला या किसने सुनाया। Here I am going to share a funny incident narrated to by my cousin, which is as good as any funny joke. कि मेरा कज़न ब्रदर था, मैं उसका एक एक्सीडेंट इंसीडेंट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, काफ़ी ज़्यादा फनी है एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुड है। When and where, सबसे बड़ी चीज़ है कहाँ, कब और कहाँ। I really remember that, कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, my cousin Jasprit was visiting us during the summer holidays and one day we were sitting in a restaurant enjoying some snacks while having food। कि हम, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मेरा जो कज़न समर हॉलीडेज पे आया था और हम रेस्टोरेंट में गए थे, इंजॉय कर रहे थे, स्नैक्स वगैरह का खा रहे थे। और नाउ हम बात करेंगे कि व्हाट द जोक वाज, जोक एक्चुअल में था क्या। आपने देखा कि मैंने सबसे पहले, जब आप क्यू कार्ड को रेडी करोगे, आपने उसके बारे में थोड़ा सा फनी बताना है, लाइक उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह बतानी है, देन एक लाइन या टू लाइंस में आप उसकी बता सकते हो। हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं जो सामने फ्रंट ऑफ अस, जो जब हम स्पीकिंग दे रहे होते हैं, जो फ्रंट ऑफ अस एग्जामिनर बैठा होता है वो AK-47 लेकर नहीं बैठा होता यार, जस्ट वो हमारी एक एबिलिटी को चेकआउट करने के लिए बैठा होता है। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखो, माइंड को हमेशा कूल रखो, यू कैन गेट 7+ बैंड इन द स्पीकिंग मॉड्यूल। एंड व्हेन एंड वेयर, ये तो हमारा हो चुका है। व्हाट द जोक वाज, जोक एक्चुअल में था क्या। ही शेयर दिस फनी इंसिडेंट विद मी, उसने कहा फनी इंसिडेंट शेयर किया मेरे साथ। ही सेड, ये पास्ट में बनेगा। ही सेड ही वाज हैविंग ए बिग ट्रबल विद हिज फ्रेंड्स, क्यों काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गया था अपने दोस्तों के साथ, हु आर वेरी स्टिंगी बाय नेचर। स्टिंगिंग है जो मतलब होता है कंजूस, कि वो काफ़ी ज़्यादा कंजूस थे, एंड दे आर नेवर विलिंग टू स्पेंड ए पिनी, कि वो कुछ भी पैसा वगैरह लगाने में बिल्कुल भी वो थे, कभी लगाया ही नहीं था उन्होंने, मतलब कंजूस थे बिल्कुल, लगाना चाहते नहीं थे। ऑलवेज मेक हिम स्पेंड मनी ऑन देयर बिहेव, मीन्स कि हमेशा वो पैसा स्पेंड करते थे अपने बिहेव के ऊपर, एंड नेवर पे हिम बैक इन एनी
सरकमस्टांस, सरकमस्टांस का मतलब होता है हालात, कि किसी भी हालात के ऊपर मुझे कोई भी पैसा वापस नहीं करते थे। एंड सो जसप्रीत डिसाइड टू टीच हिज फ्रेंड्स ए लेसन, कि उन्होंने एक सबको सिखाने का उनको एक नया तरीका फाइंड आउट किया। एंड दैट वन डे, आप चीज़ें ऐसी नोट कर लिया करें अपने कॉपी के ऊपर कि आपको कैसे बोलना है। दैट वन डे ही कॉल्ड एंड इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स टू रीच ए रेस्टोरेंट बाय 6 PM वेयर ही इज गोइंग टू थ्रो ए पार्टी। कि उसने एक दिन एक ही कॉल्ड, अब चीज चेकआउट करें लाइन कैसे बनाएगी, ही कॉल्ड एंड इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स, कि उसने कॉल की, इनवाइट किया अपने ऑल दोस्तों टू रीच ए रेस्टोरेंट बाय 6 PM, कि 6 PM को आपको पहुँच जाना है वेयर ही इज गोइंग टू थ्रो ए पार्टी, जहाँ पर वो पार्टी करेगा। एंड वाई डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्यों था, एक्चुअली ही प्रटेंडेड टू थ्रो ए पार्टी, वो पार्टी के द्वारा दिखाना चाहता है, बट हिज इंटेंशन वॉज समथिंग एल्स, कि उसकी इंटेंशन बट कुछ और थी। जैसे उसने इन्वाइट किया था दोस्तों को, बट उसकी इंटेंशन कोई और थी। नाउ शार्प एट 6 PM बज चुके थे, ऑल द फ्रेंड अराइव्ड, सब दोस्त पहुँच चुके थे। एंड हिज वॉज द टाइम वेन जसप्रीत सेड टू ऑल दैट यू कुड ऑर्डर एनी थिंग यू वॉन्ट फ्रॉम द मेन्यू, कि उसने कहा कि आपको जो कुछ भी ऑर्डर करना है इस मेन्यू से ऑर्डर कर दो। एंड इन द ग्रिड दे ऑर्डर द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड आइटम ऑन द मेन्यू, एंड इन फैक्ट ऑर्डर मोर देन वट दे कुड ईट, कि उनको जो कुछ खाना था और उन्होंने सबसे महंगे वाला फूड वहाँ पर रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया। एंड माई कज़न वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस, जो मेरा कज़न था वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था सब चीज़ें। एंड वेन ही फूड वॉज सर्वड, जो फूड जब वहाँ पर टेबल के ऊपर आ चुका था, सर्विस कम्प्लीट हो चुकी थी, ही मेड ए एक्सक्यूज टू यूज़ द वॉशरूम, उसने एक्सक्यूज बनाया और वॉशरूम का बहाना लगाकर चला गया। एंड फ्रॉम देर ही लिफ्ट एंड स्विच्ड ऑफ हिज फोन, वो वहाँ से गायब हो गया और उसने अपना क्या था, फ़ोन वहाँ पर क्या कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया था। नाउ हिज फ्रेंड्स वर ट्रैप्ड एट दिस रेस्टोरेंट बिकॉज दे हैड नो मनी टू पे, और वहाँ पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे कि उनके पास तो पैसा नहीं है पे करने के लिए। द रेस्टोरेंट ओनर डिटेन्ड देम एंड मेड देम क्लीन द रेस्टोरेंट एंड डिशेज टिल मिडनाइट, कि उसके ओनर ने, जो वहाँ का ओनर था, उसने कहा कि भाई बर्तन वगैरह साफ करो फिर मेरा पैसा पूरा करो, और उसने मिडनाइट तक वहाँ पर बर्तन वगैरह साफ किए। दे हैड ए ट्रिबल एक्सपीरियंस एट द रेस्टोरेंट बाय रेस्टोरेंट, बट दे वर ट्रिली सॉरी फॉर देयर बिहेवियर टू जसप्रीत एज वेल एज लिसनिंग टू हिज इंसीडेंट। आई स्टार्टेड लाफिंग हिस्टेरिकली एंड एवरी वन वॉज स्टार्टिंग एट मी द रेस्टोरेंट, हाउ आई कंट्रोल्ड माई लाफ्टर दैट डे, बट नाउ एवरी टाइम आई रीसेल दैट इंसीडेंट आई स्टार्ट लाफिंग अगेन। जब भी मैं इस चीज़ को याद करता हूँ अगेन अगेन मैं हंसता रहता हूँ, बट मैं कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता इस इंसीडेंट को, जब भी मैं अपने माइंड में इस चीज़ को याद करता हूँ। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होगी, एंड काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी भी लगी होंगी, एंड आपको फ़न भी बहुत आया होगा। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।